और जब मैंने 3 दिन के लिए गया, ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पढ़ता था, सेंट्रल मॉडल से मैट्रिक किया गवर्नमेंट कॉलेज, ये हमारा जो रवि अब तो यूनिवर्सिटी बन गया, तो 3 दिन के लिए मेरा एक दोस्त मुझे ऐसे खींच के ले गया, वहाँ से अल्लाह ने मेरे 4 महीने करवा दिए। 4 महीने के आखिर में एक नौजवान ने कहा तू डॉक्टर बन के क्या करेगा, तू आलिम बन जा। तो अल्लाह ने उसकी बात मेरे दिल में डाल दी, मैं इस तरफ चल पड़ा। जब मैंने घर आके बताया तो मेरे बाप, अच्छा उस दौर में डॉक्टर एक कदावर शख्सियत थी और मौलवी एक पस्त तरीन गंदगी का कीड़ा, ये कैफियत थी। और हमारे देहाती माहौल में मौलवी कमी होता था, कमी, जैसे लोहार, कुम्हार, धोबी, ऐसे मौलवी का स्टेटस कमी का था। तो मेरा बाप कहे तू कमी बनू है, तू मेरी नक बढ़ाऊ है, तू करूँ की है, तो मैंने किसे पास से रान देवना है, जीवन देवना है कि नहीं जीवन देवना। सारे इलाके के जिम्मेदार जो है मैनू लानता करें दे के तेरा पोत्र तो मौलवी बनता पैदा बनसी की। तो 23 नवंबर 1972 सुबह 8-9 बजे का टाइम था, मेरे बाप घर में आए, वो जिम्मेदारों वाली चादर पहनी हुई बड़ी और चोला खोला, पगड़ी खोल के यहाँ रखी हुई। तो मुझे देखते एकदम गुस्से में आ गए, ये तो मौलवी बनना है तो मेरे घर ही चो निकल जाए, जोर से कहा ये तो मौलवी बनना है तो मेरे घर ही चो निकल जाए। जो मुझे खींच के ले गया था जीजुल्ला, उसका नाम था, प्रॉपर्टी फैमिली नाम, मुझे पकड़ के खींच के ले गया था। मैं नहीं जाना चाहता था, वो बाकी चारों त्यारों ने जो इंतकाल करके आराम था, क्रम से थोड़ा एक सुहेल सुहेल एक इलियास चौधरी होने पे जाके उन्होंने देखा चलते पढ़ाई में आ गया भी होता, लेकिन मैं पीछे रहते अल्लाह, ये सब मेरी बुनियाद, मुझे हिदायत की इब्तदा इस कमरे से। चलें जी, मुझे तो नहीं पता था कि अल्लाह ताला मुझे वहाँ पहुँचाने वाला है कि जहाँ डॉक्टर मेरे आगे बैठ के मेरी बात सुने, मुझे तो उस वक्त पता नहीं था क्या होने वाला है मेरे साथ। मैं तो इसी तरह ही निकला था कि ठीक है जी मैं तैयार हूँ। तो मेरे बाप की शिद्दत देखकर मेरी माँ ने मुझे अलग कर लिया, कहा तू जा कोई नहीं अल्लाह तेरा साथी। 300 रुपया मैंने दिया, 300 रुपया बड़ी वड्डी दौलत आई उस, मैंने 300 रुपया दिता कि जा अल्लाह तेरा वारिस। तो मैं रायमंड आ गया, यहाँ मैं तालीम हासिल करने लगा, 8-9 साल यहाँ पढ़ा। एक साल दो साल के बाद मेरे बाप भी बिल्कुल राज़ी हो गए, बहुत ही राज़ी हो गए थे। तो मैं नाश्ता कर रहा था तो मेरे वालिद एंटर हुए, सफेद कुर्ता सफेद चादर बांधी और पगड़ी खोल के कंधे पर रखी हुई, और कहते हैं ये तो मौलवी बनना तो मेरे घरों निकल जाए। السلام عليكم ورحمة الله یہ جو قلعہ یہاں کی گیٹ کے پر یہاں وہ ایک بار غسل کے میس میں کھانا پکا ہے یہ سب میری یاد کر رہے ہیں
बस यहीं से यूं ही तस्वीर बना दी। ये रास्ता Oh.